ये स्टोरी एक माइनक्राफ्ट क्रीपी पास्ता है, इसको सीरियस मत लीजिएगा और एंजॉय करिए। माइनक्राफ्ट एक बहुत ही यूनिक गेम है एंड इस गेम की सबसे बढ़िया बात यह है कि इस गेम में एक्सप्लोर करने के लिए इतनी चीजें हैं कि कोई भी माइनक्राफ्ट प्लेयर इस गेम को अपने अपने तरीके से एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट कर सकता है। और एक्सप्लोर करने के लिए इस गेम में सबसे कॉमन स्ट्रक्चर होता है अबैंडन्ड माइनशाफ्ट्स। मैं अबैंडन्ड माइनशाफ्ट्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की स्टोरी में हम जिस एंटिटी की बात करने वाले हैं वो इन्हीं माइनशाफ्ट्स में अकेला घूमता रहता है एक दोस्त की तलाश में। हेलो गाइस, मेरा नाम है डांटे एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर दीजिए। ये हमें हेल्प एंड सपोर्ट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही माइनक्राफ्ट का कंटेंट बनाते रहें। नाउ लेट अस बिगिन द वीडियो। माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज एपिसोड 21, स्टोरी ऑफ जिन। ये कहानी है एंथनी 4567 की। एंथनी एक दिन अपने माइनक्राफ्ट सर्वर में वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकला। वो इस सर्वर को लगभग एक हफ्ते से खेल रहा था एंड उसने कुछ भी अजीब या क्रीपी नोटिस नहीं किया था इस सर्वर के वर्ल्ड में, लेकिन शायद इस बार उसके साथ कुछ अलग होने वाला था। एक्सप्लोरेशन करते हुए उसे एक अबैंडन्ड माइनशाफ्ट मिली और हर एक्सप्लोरर माइनक्राफ्ट प्लेयर की तरह वो बस तुरंत उस माइनशाफ्ट में घुस गया। उसका मेन मोटिव था कि माइनशाफ्ट के किसी डंजन में उसे किसी चेस्ट में शायद डिस्क 13 मिल जाए। वो उस डार्क माइनशाफ्ट में आगे बढ़ा और उसके सामने एक स्केलेटन आया। उसने उस स्केलेटन को मार दिया और वो हिडन डंजन ढूंढने लगा एंड लकीली उसे थोड़ी ही देर बाद एक डंजन मिल गया जहां दो चेस्ट रखी हुई थी। उसने सबसे पहले वहां पे रखा स्पॉनर डिस्ट्रॉय किया, देन उसने पहली चेस्ट खोली तो वो इतना खुश हो गया क्योंकि उस चेस्ट में उसे एक डिस्क 13 मिल गई थी। एंथनी ने माइनक्राफ्ट में शायद कभी इतना लकी महसूस नहीं किया था, लेकिन शायद ये लक उसके लिए एक वियर्ड एक्सपीरियंस होने वाला था। उसने देन दूसरी चेस्ट ओपन की बट वो हैरान रह गया क्योंकि उस चेस्ट में कुछ भी नहीं था। एंथनी थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर उसने सोचा मे बी, जस्ट मे बी ये ग्लिच है, इस सेकेंड चेस्ट में कोई भी सामान स्पॉन ही नहीं हुआ था। बट जैसे ही उसने वो चेस्ट क्लोज की, एक बहुत ही डरावनी आवाज उस माइनशाफ्ट में गूंजने लगी। पहले तो एंथनी डर गया बट बाद में उसने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि आवाज केव्स के साउंड इफेक्ट से थोड़ी सिमिलर थी। बट एंथनी को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने शायद किसी एंटिटी को आजाद कर दिया है जो उस चेस्ट में ट्रैप्ड थी। एंथनी ने देन वो बाकी पूरी माइनशाफ्ट क्लियर की। उसके बाद वो जैसे ही उस माइनशाफ्ट से बाहर निकल रहा था, उसको एक साइन बोर्ड लगा दिखा जिसपे लिखा था, हेलो आई एम जिनी, लेट अस बी फ्रेंड्स। पहले तो एंथनी को समझ नहीं आया कि क्यों, ये कैसे हो सकता है। या तो कोई उसके साथ किसी टाइप का प्रैंक कर रहा था जो बिल्कुल भी फनी नहीं था। एंथनी ने वो साइन डिस्ट्रॉय करके अपनी इन्वेंटरी में रख लिया और उसको ये एक मजाक लगा क्योंकि उसके सर्वर फ्रेंड्स उसके साथ ऐसे छोटे मोटे प्रैंक्स करते रहते थे जब भी वो अपने माइनक्राफ्ट सर्वर पे खेलता था। बट तभी उसके जिनी नाम के किसी प्लेयर का मैसेज आया जिसमें लिखा था, वाई डिड यू डिस्ट्रॉयड माई साइन, आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ फ्रेंड ऑफ योर्स। एंथनी ने देन रिप्लाई बैक किया और बोला, मिथिक भाई मजाक मत कर, मैं जानता हूँ ये तू किसी और आईडी से ज्वाइन करके मुझे परेशान कर रहा है। मिथिक एंथनी का सर्वर फ्रेंड था जो अक्सर उसके साथ प्रैंक्स करता रहता था, लेकिन उसके मैसेज का मिथिक ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। एंथनी ने फिर से ये बात इग्नोर की और वो अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एंड जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसने वहां एक और साइन बोर्ड देखा जिसपे फिर से लिखा था, हेलो माई नेम इज जिनी, लेट अस बी फ्रेंड्स। तभी एंथनी ने सर्वर पे ऑनलाइन प्लेयर्स चेक करे और वो एकदम शॉक्ड हो गया क्योंकि सर्वर पे कोई भी प्लेयर ज्वाइंड नहीं था सिवाय एंथनी के। एंड तभी एंथनी का गेम क्रैश हो गया। उसने देन अगेन माइनक्राफ्ट ओपन करके उस सर्वर पे लॉगिन किया
और वो एग्जैक्ट उसी स्पॉट पे स्पॉन हुआ वो अपने बेस में घुसने ही वाला था। तभी उसने अपने पीछे किसी के पैरों की आवाज सुनी। उसने पीछे देखा तो एक प्लेयर खड़ा था जिसके नेम टैग पे उसका नेम जिनी लिखा हुआ था। एंथनी ने अगेन सर्वर चेक किया तो सर्वर पे उसके अलावा कोई जॉइंड नहीं था। तभी उस जिनी नाम के प्लेयर ने फिर से एंथनी को मैसेज किया कि हेलो माय नेम इज जिनी, लेट अस बी फ्रेंड्स। एंथनी पता नहीं क्या सोच रहा था, उसने भी रिप्लाई में कह दिया कि ओके आई विल बी योर फ्रेंड। तभी एंथनी की स्क्रीन लगभग 2 सेकंड के लिए ब्लैक आउट हो गई और जैसे ही उसकी गेम स्क्रीन सही हुई जिन वहां से गायब हो चुका था। एंथनी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई रियल प्लेयर था या किसी ने उसके सर्वर में कोई मॉड इंस्टॉल किया था। अब ये दोस्ती की शुरुआत जो हुई थी एंथनी एंड जिनी के बीच में, ये कैसा मोड़ लेगी ये तो वक्त ही बताएगा। जिनी एंथनी के माइनक्राफ्ट सर्वर में कहां से आया और वो एंथनी का फ्रेंड क्यों बनना चाहता है, क्या उसका कोई इल मोटिव है एंथनी से फ्रेंड्स बनने के पीछे, ये तो अब हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। एंड गाइज, अगर आपको बाकी माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज के एपिसोड देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन सबका लिंक मिल जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज के एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।